नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज, मनोज प्रजापति के साथ। जी हां, बड़ी खबर द्वारका जिले से। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने 27 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 11 द्वारका में साइबर सेल के सहयोग से एक प्रोग्राम आयोजित किया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की पहल आज द्वारका जिले में देखने को मिली। जी हां, द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस के DCP अंकित कुमार के दिशा निर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं बच्चों सहित गुरुद्वारा सदस्यों के कल्याण के लिए आयोजित किया गया। अब आपको हम बता दें, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश कुमार, थाना प्रभारी साइबर सेल पहुंचे और उनके साथ निशा दहिया सब इंस्पेक्टर साइबर सेल वो भी वहाँ मौजूद रही। यहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल श्रीवास्तव साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारका रतन एवं कुलदीप सिंह अध्यक्ष द्वारका और देवेंद्र पाल सिंह सचिव गुरुद्वारा, आपको बता दें, उसके साथ साथ गुरजीत पाल सिंह उपाध्यक्ष गुरुद्वारा द्वारका वहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने साइबर सेल से किस प्रकार ज्ञान अर्जित किया और साइबर क्राइम से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये भी उन्होंने यहाँ आकर जानकारी प्राप्त की। लोगों ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के SHO जगदीश कुमार से अपने अपने अंदाज में जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं वो बयां की और जगदीश कुमार ने उनके सवालों के जवाब भी बखूबी देते हुए नजर आए। जी हां, साइबर क्राइम स्पेशल सेल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में यहां लोगों ने आकर अपने अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए और साइबर क्राइम से किस प्रकार यहां आकर उन्होंने जानकारी प्राप्त की तथा इंस्पेक्टर साहब ने ये भी जानकारी मुहैया कराई कि जो ज्ञान आप लोगों ने अर्जित किया है वो अपने करीबी 4-4 लोगों को जरूर बताएं ताकि साइबर क्राइम में कमी आ सके। इस समय AST न्यूज़ की टीम मौजूद है द्वारका में, जहां पर साइबर क्राइम से रिलेटेड एक सभा का आयोजन किया गया गुरुद्वारे के अंदर। और किस तरह का आयोजन था, बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या परिचय होगा और किस तरह आपने साइबर क्राइम की सभा में? मेरा नाम देवेंद्र पॉल सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 11 द्वारका का। ऐसे कि जैसे कि पीछे काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि डे बाय डे जो है वो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इवन कुछ हमारे गुरुद्वारे के जो संगत के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ भी अभी इसी लास्ट 10-15 दिन के अंदर ही 2 लोगों के साथ ऐसा काम हुआ कि वो, मतलब भगवान की कृपा है कि वो बच गए, उनके साथ कुछ नहीं हो पाया, उनके बच्चों ने उनको अवेयर किया। तो हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ये तकरीबन हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। तो उसके लिए हमने फिर, मैं राहुल जी से हमारा परिचय है तो हमने राहुल जी को कॉन्टैक्ट किया। तो राहुल जी ने कहा कैसे करते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं, आप गुरुद्वारे में रख लीजिए प्रोग्राम। तो आज हमने 27 अप्रैल को जो हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया शाम को 5 बजे, जिसमें कि जगदीश जी जो साइबर थाने के SHO हैं, क्राइम इंचार्ज हैं, तो वो भी आए। उन्होंने और राहुल जी ने काफ़ी प्रकाश डाला जो कि आज की डेट में क्या लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी है लोगों की, उसके बारे में उन्होंने बताया। और जो लोगों के क्वेश्चंस इंक्वायरी थी उनको उन्होंने सेटिस्फाइड किया, उनको बताया कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन अवेलेबल हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेधड़क होकर मेरे पास थाने में आ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही हमने देखा कि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी अभी तक, उनने राहुल जी ने और जगदीश जी ने हमें उसके बारे में बताया कि अगर मान लीजिए कोई OTP मांगता है तो OTP नहीं देना है, कोई आपके साथ अपना QR कोड शेयर करता है तो QR कोड पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए नहीं है। तो आप जो भी किसी को आपको QR कोड भेजे तो आपने उसको स्कैन नहीं करना है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें बताई, मल्टी लेयर सिक्योरिटी आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि जो सैकड़ों लोग जो आज इसमें मीटिंग में आए और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, मेरे को लगता है ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी द्वारका में चलते रहने चाहिए। क्योंकि जैसे जगदीश जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम जो फ्रॉड हैं वो द्वारका में ज़्यादा हैं, जबकि द्वारका की सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, बट उसके बावजूद भी द्वारका के अंदर इस तरह के फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं।
करीब कभी 11 करोड़ कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए आज का जो लगता है जो आज हमारा जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम आपके गुरुद्वारे में हुआ और मैंने देखा है कि अक्सर पुरुष इस भाग लेते हैं लेकिन यहाँ माता बहनें और सभी पहुँचे थे, उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने अनुभव शेयर किए। देखिए ऐसे है कि शुरू से ही ना आजकल की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी द्वारका में बहुत पढ़ी लिखी हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना चाहते हुए भी इस चीज़ का शिकार होना पड़ा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे हिसाब से माताएं बहनें बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम है जिसमें जैसे कि आपने देखा बहुत सारी महिलाओं ने लेडीज़ ने हिस्सा लिया, तो मतलब मैं उम्मीद करते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। जी शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए जिस प्रकार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और उसको रोकथाम के उपाय दिल्ली पुलिस और सरकारें समय समय पर देती है, लेकिन यह एक अलग तरह का साइबर क्राइम को रोकने का मुहिम थी क्योंकि यहाँ ये धार्मिक स्थल है और यहाँ लोगों के साथ जिस तरह के साइबर क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के SHO यहाँ पहुँचे हुए थे और वो साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी है। हाँ, अगर आपने अपना आधार इनेबल नहीं किया हुआ आप माई आधार में जाइए, सब लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, माई आधार में जाके आप अपना आधार के जो फिंगर चांद प्रिंट है उसको इनेबल कर दीजिए, आप जब कुछ होगा तो इमीडिएट आपके पास मैसेज आएगा, इंडिविजुअल के पास मैसेज आएगा उधर से आधार ऑफिस से, तो चोरी बच जाएगी, वरना 2,000 रुपये की या कुछ 1,000 रुपये की लिमिट होती है, अगर आपने वो आधार इनेबल नहीं किया हुआ तो इतने पैसे की तो चोरी हो सकती, ज़्यादा की तो नहीं हो सकती लेकिन थोड़ी चोरी हो सकती, ये इतनी चोरी हो सकती है, तो क्या आप उसको अने तो ठीक है। फिर जैसे द्वारका में जो मेन जो पिछले में फ्रॉड, आप इसे सुन लो शेयर जरूर करना, इसमें भी हमारे 5-6 करोड़ रुपए गए हैं। वो क्या बोलता है कि जी एक मुंबई से बोलेगा कि जी आपका कि जी हम यहाँ शिपमेंट से बोल रहे हैं, आपका एक बैग बरामद हुआ है कस्टम डिपार्टमेंट, वो बोलेगा नारकोटिक ब्रांच है, वो मुंबई नारकोटिक ब्रांच बन के फ़ोन करता है कि आपका बैग मिला है उसमें आपका आधार नंबर आधार कार्ड मिला है आपका पासपोर्ट मिला है के अंदर ये क्रेडेंशियल है, वो आपकी पूरी क्रेडेंशियल बताएगा और इसके साथ हमें मिला है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मीन नारकोटिक सब्सटेंस MDF बोलते हैं हमारी भाषा में, कि कमर्शियल क्वान्टिटी का जिसमें मिनिमम सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट, कम से कम सजा उम्र कैद। तो अब मैं और ये मिला है अब तुम्हें उम्र, और वो हाउस अरेस्ट कर लेते जिसको हमारी नई टर्म ईजाद हुई है जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, हैं उसके साथ क्या बोला, उसकी माँ ने उसको अपने GPF के पैसे संभला रखे थे और वो साइकोलॉजी की खुद प्रोफेसर है और प्रोफेसर को हाई वो कर लिया और उसके 50 लाख रुपए उसको 9 दिन के करीब किया, हमारे थाने के इलाके की बात है, और जो खुद साइकोलॉजी पढ़ाती है उसके 50 लाख रुपए ले लिए और वो पैसा कैसे जाता है आप पूछो, ये भी पूछो मेरे से ये पैसा बचता कैसे, पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता कैसे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए प्लीज शेयर करना। उसने जब हम पहुंचे भी पैसा कहाँ जाएगा, आप सिंपल सी बात है सिंह साहब, आप क्या बोलोगे पैसा तो गया था अकाउंट से उठाना उन्हें भरो, जिस नंबर से फोन आया उन्हें भरो, लेकिन ये बात झूठ है। जब फोन नंबर मैंने बताया कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो उसके पास सिम चल रही होगी उड़ीसा की, आपने देखा होगा कभी आप पालम जाते हो, कोई गया पालम या इधर कहीं देखा होगा कि सुबह साइकिल पे बच्चे बेच रहे होते, देखा है मंजर कहीं देखा है ना, कि सुबह मैं वहाँ से रूटीन में आता था पालम से, या मैंने जनकपुरी में देखा, तो वहाँ पे एक लड़की एयरटेल वाली थी और एक लड़का था जियो वाला, सुबह वो जहाँ पे मजदूर नहीं मिलते पालम क्या कौन सा चौक है, रामपल चौक है नहीं एक और है रामचौक पे जहाँ पे सुनारे बैठे हैं सारे
सारी दिल्ली पालम के। देखिए, बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए साइबर क्राइम की और सुरक्षा की, आज आपने एक अच्छा पहल की है, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा भी लिया है और वो साइबर क्राइम के शिकार भी नहीं होंगे। राहुल जी क्या कहेंगे और अपना परिचय भी दीजिए। मैं राहुल श्रीवास्तव, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और द्वारका रतन। मैं अभी तक 35 प्रोग्राम्स द्वारका के अंदर कर चुका हूँ, CGHS, DDAs में और मार्केट्स में, और ये हमारा 36 प्रोग्राम था गुरुद्वारे के अंदर। उसको करने का पर्पज़ ये था कि गुरुद्वारे के जो मेंबर्स हैं वो इससे बेनिफिट उठ लें, और इसमें मैंने इसी के सिलसिले में अपना देवेंद्र पॉल जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, कुलदीप जी से बात किया, गुरजीत जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बात की, और इन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया, जिसके लिए मैं इनका अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। और इन्होंने भी वेलफेयर के लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया, और साथ ही साथ साइबर सेल दिल्ली पुलिस, जिसके जो इंस्पेक्टर SHO जो हैं अपने सेक्टर 17 के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जगदीश कुमार जी का, जिन्होंने इतना अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम को किया। एक्चुअल में क्या है सर, आपकी देखिए 1,00,000 करोड़ की ऑलमोस्ट इंडस्ट्री हो चुकी है, हर 39 सेकंड्स में एक फ्रॉड हो रहा है, और इसकी सीरियसनेस समझिए, हर थर्ड आदमी आज की डेट में विक्टिम है कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड का। तो ऐसे सिलसिले में अब हमें क्या है कि हमें अलर्ट, जितना हम रहेंगे, हमें जितना इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, हमें क्या करना है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, वही हमें सेफ गार्ड कर सकते हैं। क्योंकि अब इसलिए ये प्रोग्राम किया गया, और हमारा मानना है कि अगर इसमें से अब 100 लोगों में से अगर हमने देखा कि 4 फैमिली मेंबर्स हैं उनके, तो 400 लोग बेनिफिट हो गए इस प्रोग्राम से, यानी कि 400 लोगों के साथ फ्रॉड होने का चांसेस बिल्कुल कम हो गया, ऑलमोस्ट 0 चला गया। तो ये प्रोग्राम इसीलिए किया जा रहा है, और अच्छी तरह से करने का पर्पस भी यही है। राहुल जी, सवाल ले लेते हैं आपसे कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इनके शिकार हो जाते हैं? सर देखिए, इसके विक्टिम में से अगर हम बात करें तो जजेस भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इवन IT प्रोफेशनल्स भी हैं। एजुकेटेड ब्रीड इसकी ज़्यादा विक्टिम है, जो डेटा कहता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि इसमें सेक्सटॉर्सन है, राइट, आजकल डीप फेक चल रहा है जो लेटेस्ट ट्रेंड कर रहा है, साइबर ग्रूमिंग है, साइबर ग्रूमिंग और साइबर ब्लैकमेलिंग है, जिसमें थ्रेटनिंग भी आ गई। ये कुछ ऐसे हैं कि इन ऐसे ट्रेंड्स को देखा जाए साइबर क्राइम में और ये जो फ्रॉड के अंदर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि हम अभी तक क्या था कि जैसे ये फ्रॉड हमारे साथ होते थे और कोई कहता था कि हम इसको सोशल वायरल कर देंगे या हमें पुलिस के पास जाना होता था, तो हमें एक हिच आती थी। अब हम उस हिच को ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को बता रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं देना, क्योंकि ये हमारी हार्ड अर्न मनी है, और हार्ड अर्न मनी नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर हम इंडस्ट्री का पैसा बचा लेते हैं, रेजिडेंट्स का पैसा बचा लेते हैं, तो ये प्रोग्राम्स हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो साइबर हैकर है वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि डीफेक वीडियो बनाना ये साइबर क्राइम के ही पार्ट है, और AI टेक्नोलॉजी भी आ गई है। आपका हूबहू चेहरा होता है, लेकिन कहने वाला और सुनने वाला कोई और होता है, राइट? सी देखिए, हर 6 मंथ्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, बॉडी मॉर्फ हो रही है आपकी, तो देखिए ये तो होता रहेगा, इसको हम रोका भी जा रहा है इनफैक्ट, लेकिन क्या है कि हमें अलर्ट रहना पड़ेगा अपने एंड पर, तभी हम इस फ्रॉड को रोक सकते हैं। और हमें टेक्नोलॉजी का नहीं सोचना, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स क्या है कि वो भी इजी कैश लेते हैं, अगर हम इजी कैश नहीं है, राइट, जैसे कि हम कुछ प्रोड्यूस में अगर हम अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं रिसीव करते हैं या फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो हम सेफ हो रहे हैं। अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स में इंक्रिप्शन लगा रहे हैं, तो हम सेफ हो रहे हैं, राइट। इसी तरह से कि हम पासवर्ड अगर अपना फेस वाइज डाल रहे हैं, तो हम सेफ हो रहे हैं। तो ये कुछ डूज हैं जो अगर हम कर रहे हैं, तो हम सेफ गार्ड हो रहे हैं, हम बच सकते हैं। बिल्कुल जी, आपसे ही बात करेंगे सर, आपने भी प्रोग्राम में जानकारी हासिल की, किस तरह का अनुभव रहा? मैं कुलदीप सिंह, जो इस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हूँ, मुझे ये लगा है कि जो इन टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे साथियों ने, और जो नॉलेज दी है, वैल्यूएबल नॉलेज दी है, कि हमें इन फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, किस किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं और उनसे हमें प्रिवेंशन कैसे लेनी है, ये जानकारी इन्होंने बड़े विस्तार से सबको बताई है, और मुझे लगता है कि सभी ने इसका पूर्व
नॉलेज भी ली होगी और आने वाले टाइम में इसका फायदा भी उठाएंगे। अगर कोई इस तरह के क्राइम से पीड़ित हो जाए तो प्राथमिकता क्या रहेगी? तो हमें सबसे पहले उस जिसके साथ ये बीती है, हम उनको यही बोलते हैं कि आप पेशेंस रखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किसी कुलीग के साथ शेयर कीजिए। और ये जो हमारी पुलिस इस क्राइम में साइबर में लगी हुई है, हम उनकी हेल्प जरूर लेंगे, उनके पास जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। जी शुक्रिया, थैंक यू सर। देखिए, जिस प्रकार साइबर क्राइम का शिकार लोग घबरा जाते हैं और वो उसकी शिकायत करने से भी डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विक्टिम होते हैं इस पूरी साजिश के। और जिस तरह के लोग साजिशकर्ता होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी शिकायत ना हो और वो इस तरह अंधाधुंध लोगों को शिकार बनाते रहते हैं। इस सभी की क्षतिपूर्ति किस तरह हो सकती है, ये आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जानकारी प्राप्त हुई। और दिल्ली पुलिस के SHO साइबर क्राइम जगदीश जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने लोगों को तमाम तरह की जानकारी दी और जिस प्रकार साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, यह संपूर्ण जानकारी यहाँ मौजूद व्यक्तियों ने प्राप्त की। इससे ये लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने जानकारी प्राप्त की है, वो साइबर क्राइम से बच पाएंगे। AST न्यूज़ के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन सोनू के साथ।